हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से क्रूपसी की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। गाइस, ये जो वैकेंसी है ये न्यूक्लियर रिसाइकलिंग बोर्ड की तरफ से रिलीज की गई है क्रूपसी की वेरियस पोस्ट के ऊपर। तो इस वैकेंसी की डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और गाइस, ये जो वैकेंसी है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए रिलीज की गई है। तो चलिए फटाफट से वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है। तो चलिए गाइस, अब लोग हम यहाँ पे बात करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड और डिटेल्स की। ये वैकेंसी यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की तरफ से रिलीज की गई है, जिसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। 31 जुलाई लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की। आगे देख लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पे स्टेनोग्राफर Grade 3 ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। टोटल नंबर वैकेंसी 6 है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 10th पास किया हो आप लोगों ने और उसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो आपके पास विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपकी होनी चाहिए। साथ ही गाइज, यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे मांगी गई है। तो ये क्राइटेरिया है आपका क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो ये है। आगे गाइज, यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे, मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और गाइज, यहाँ पे रिलैक्सेशन भी गिवन है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट की बात करेंगे तो 25,500 रुपीज आपकी पेमेंट रहेगी, प्लस आपके यूजुअल अलाउंसेज वगैरह भी इसमें जोड़े जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग जोड़े जाएंगे। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन भी गिवन है, लेवल 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद लेवल 2 का, तो इसे भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइस यहाँ पे ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट। इसके लिए यहाँ पे 11 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, क्वालिफिकेशन सेम है, 10th पास है आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एज वेल एज हैवी व्हीकल्स के लिए। नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की आपको, यहाँ पे आप लोगों को जो छोटे मोटे डिफेक्ट है व्हीकल के अंदर उसे रिमूव करना आना चाहिए। गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक्सपीरियंस जो मांगा है ड्राइविंग के अंदर लाइट व्हीकल का, वो एटलीस्ट 3 इयर्स का मांगा है, और हैवी के अंदर यहाँ पे आपसे 6 इयर का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम 18 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट गिवन है, और मैक्सिमम 27 इयर्स एज लिमिट है, सेम ही है। और साथ ही गाइस, यहाँ पे अपर एज के अंदर रिलैक्सेशन भी गिवन है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट की बात करेंगे तो आपकी 19,900 पेमेंट रहेगी, सैलरी रहेगी, प्लस आपको यहाँ पे वही अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग देख सकते हैं, लेवल 1 के अंदर आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक, मोटर व्हीकल एक्ट, इन सबका आपका एग्जामिनेशन होगा। साथ ही लेवल 2 के अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो इसे भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी रिलीज की गई है, 72 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है, वर्क असिस्टेंट ए ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है ये भी। 10th पास ही गाइस, सिंपली यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिंपल 10th पास, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांगा गया है। एज लिमिट गाइस यहाँ पे मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 27, और एज रिलैक्सेशन भी गिवन है। पेमेंट आपकी 18,000 रहेगी पर मंथ, प्लस आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी मिलेंगे। आपको यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन भी गिवन है, तो इसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो 100 रुपीज फीस रहेगी। लेकिन अगर आप लोग SC ST PWD वुमेन या फिर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट हैं तो कोई भी फीस पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। साथ ही गाइस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप लोग 1 तारीख से लेकर के, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है लास्ट डेट, 1 तारीख से लेकर के 31 जुलाई तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कहाँ से करना है, recruit.bac.gov.in ये जो वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। होप तो गाइस सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC, NET, IIT, JEE, NEET। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।